फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कोहिनूर प्रेडिक्शंस। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीएल के चैलेंजर मुकाबले के बारे में, यानी एक तरह से बोल लीजिए सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में। जो टीम जीतेगी वो जाएगी सीधे फाइनल में। तो उस मैच के बारे में बात करेंगे, मेलबोर्न स्टार्स वर्सेज सिडनी थंडर के बीच में ये मैच है। तो काफ़ी अच्छी टीम है दोनों और एक अच्छा मैच भी देखने को मिलेगा, दोनों काफ़ी कम्पिटिटिव टीम है। तो चलिए मैच के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं डेट से। तो ये मैच खेला जाएगा फरवरी 6 यानी कल, टाइम होगा 2:10 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। दोपहर में मैच है, वेन्यू होगा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न, यानी MCG में मैच खेला जाने वाला है। दोस्तों अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, बेटिंग करते हैं, सेशन खेलते हैं, हु विल विन जाना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7428525767। यही मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है दोस्तों। कोहिनूर प्रेडिक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए वहाँ पे काम चेक करिए। आज भी न्यूजीलैंड को मतलब एक तरह से विन ही करवाया 10 पैसे इंडिया खिलवाकर ओपन में। जाइए काम चेक करिए, अच्छा लगे तो कॉन्टैक्ट करिएगा। पिच में बात करेंगे तो यूज सरफेस है, और यहाँ पे अगर पिछले मैच का बात कर लेते तो 142 रन भी यहाँ पे डिफेंड हुआ था, जहाँ पे 99 पे ही ऑल आउट हो गई थी मेलबोर्न स्टार्स, सिडनी सिक्सर्स ने डिफेंड कराया था। तो एक यूज सरफेस है, तो ज्यादा यहाँ पे आपको हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट नहीं करना है। 160 भी बहुत अच्छा स्कोर है इस ग्राउंड पे। और बात करेंगे तो स्पिनर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे मदद मिलता है। स्टार्स का बात करेंगे तो मेलबोर्न स्टार्स लास्ट 4 मैच हार के आ रही है, मतलब 4 कंसेक्यूटिव लॉस है। और अगर बात करेंगे तो 4 का 4 मैच चेस करते हुए हारी है। तो कल हो सकता है अगर स्टार्स टॉस भी जीतेगी तो ट्रेंड चेंज कर सकती है। बात करेंगे अगर यहाँ पे सिडनी थंडर का, तो लास्ट 3 मैचेस जीत के आ रही है, और वही स्टार्स 4 मैचेस लास्ट हारी है। तो सिडनी का थोड़ा सा पल्ला भारी है, और जो लास्ट के 2 मैच है प्लेऑफ्स के, उसमें भी अच्छे टीम्स को हराया, होबार्ट को हराया और एडिलेड को हराया। तो एक अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। वेदर की बात करें तो 23 डिग्री टेम्परेचर, चांसेस ऑफ रेन 22% है, और रेन के चांसेस है, यानी डकवर्थ लुईस लगता है अगर रेन होता है। तो ह्यूमिडिटी लेवल 72% की। टीम ने बात करें थंडर की तरफ से, तो बैक टू बैक मैचेस विन करके आ रही है, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को अल्टर नहीं करेगी, सेम प्लेइंग के साथ उतर सकती है। वही स्टार्स का बात करेंगे तो लमी चने अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल ड्यूटी पे नेपाल की तरफ से। वही उनके स्टार बॉलर हारिस रॉफ पिछले मैच में भी कम बैक किया इंटरनेशनल ड्यूटी के बाद, तो ये अपना रिटेन करेंगे स्पॉट। और हिल्टन कार्टराइट अवेलेबल नहीं है, फ्रैक्चर है उनका हाथ। तो ये कुछ न्यूजेस थे स्टार्स की तरफ से। फंडामेंटल से बात करेंगे तो हेड टू हेड 12 मुकाबले हुए इन दोनों के बीच में, जहाँ पे स्टार्स 6 जीती है थंडर 6 जीती है, तो यहाँ पे 50-50% का रेशियो है। रिसेंट फॉर्म का बात करेंगे लास्ट 5 मैचेस में दोनों टीम की तरफ से, तो आप देख सकते हैं लॉस है लॉस है लॉस है और एक विन है, मतलब 4 लॉसेस के बाद एक विन है सिर्फ। वही अगर सिडनी थंडर का बात करें तो विन है विन है विन है, और लास्ट के 2 मतलब रिसेंट फॉर्म अच्छा है सिडनी थंडर का, 3 मैचेस है 5 में से विन, सिर्फ 1 मैच है 5 में से विन। हेड टू हेड में बात करेंगे MCG में, तो 6 मैचेस में से 2 मैचेस सिर्फ स्टार्स जीती है, 4 मैच थंडर जीती, मतलब होम ग्राउंड पे भी थंडर का पल्ला भारी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हेड टू हेड बीबीएल में तो 2 मुकाबले में और दोनों मुकाबले स्टार्स जीती है। वही अगर बात करेंगे हेड टू हेड में लास्ट 5 मैचेस की, तो रिसेंट ट्रेंड क्या है वहां पे, तो स्टार्स 3 जीती है और थंडर 2 जीती है, तो यहां पे भी स्टार्स का थोड़ा सा पल्ला भारी है, यहां पे भी स्टार्स का पल्ला भारी है। मैचेस का बात करेंगे एमसीजी में इस साल जो हुए हैं बीबीएल 2019 में, तो 6 मैचेस हुए हैं यहां पे, फर्स्ट बार 4 बार जीती है, और ये चारों अभी रिसेंट का बात है, मतलब बैक टू बैक 4 मैचेस जो यहाँ पे हुए वो फर्स्ट बैट जीते आ रही है, और सबसे स्टार्टिंग के जो 2 मैचेस थे वही 2 सेकंड बैट जीती थी। वेन्यू स्टार्स का बात करेंगे एमसी में, तो 43 मैचेस हुए, फर्स्ट बैट 17 जीती है, सेकंड बैट 24 जीती है, टाई 2 रहा है। एवरेज फर्स्ट इनिंग 157 का हाईएस्ट स्कोर है मेलबोर्न स्टार्स का, 219 पे एक इसी साल मारा था सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, और लोएस्ट स्कोर सिडनी सिक्सर्स का 74%। लिंगन का बात करेंगे थंडर की तरफ से, एलेक्स उस्मान खोजा, कैलम फॉक्स, डेलियन सेम्स, एलेक्स रॉस्ट, क्रिस मॉरिस, अर्जुन नायर, जेल एंटोन, क्रिस ट्रीमैन, ब्रेंडन डॉगेट और जोनाथन कुक। बात करेंगे अब स्टार्स की तरफ से प्लेइंग 11 का, तो निक मैडिसन, मार्कस स्टोइनिस, निक लार्किन, ग्लेन मैक्सवेल, पीटर हैंडसकॉम, सेफ गॉच, नेथर कुंटरलैंड, क्लिंटन हिंच, क्लिफी एडम, जैम्पा, डैनियल वोलर और हारिस रॉफ। बात करेंगे की प्लेयर्स का थंडर की तरफ से, तो एलेक्स हेल्स बहुत अच्छे फॉर्म में है, 568 रन है 16 इनिंग में, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। तो कैप्टन फाइव सन बहुत अच्छा ऑप्शन है। फर्गुसन का 369 रन है 16 इनिंग में, मॉरिस का 20 विकेट है 14 मैचेस में, प्लस पिछले मैच में भी 21 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे कंट्रीब्यूट भी करते, तो वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। डैनियल सेम हाईएस्ट विकेट टेकर है, 30 विकेट है 16 मैचेस में। की प्लेयर्स का बात करेंगे स्टार्स के तरफ, तो स्टोइनिस है 612 रन है और हाईएस्ट रन गेटर है 15 इनिंग में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। मैक्सवेल का 389 रन है 14 इनिंग में, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट भी निकालते हैं। हैंडसोन का बात करेंगे लास्ट 3 इनिंग का, तो 4 रन 27 और 65 रन, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यही 3 बैट्समैन है जिन पर रिलाई करती है बेसिकली स्टार्स। और जैम्पा का बात करेंगे तो 16 विकेट है 10 मैचेस में, 17 विकेट है हारिस रॉफ का। तो ये सारे की प्लेयर्स रहेंगे। इन्हीं प्लेयर्स को लेते हुए जो मैंने आपके लिए ड्रीम 11 का टीम डिजाइन किया, मैं आपको दिखा देता हूं, मैं हैंडसोन के साथ जा रहा हूं।
और जे लेंटन को पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे सेफ कोच के ऑप्शन है। बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो स्टोनिस, फर्गसन, उस्मान खाजा के साथ जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे एलेक्स हेल्स को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि क्रेडिट का थोड़ा सा लोचा हो रहा है। आप मैनेज करेंगे तो जरूर पिक करिए, और रॉस भी अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। ऑलराउंडर में बात करें डैनियल सैम, क्रिस मॉरिस और कुल्टर नेस के साथ जा रहा हूँ। मैक्सवेल और अर्जुन नेयर को आप पिक कर सकते हैं। बॉलिंग में बात करेंगे तो हारिस रॉ, एडम जैम्पा और जोनाथन कुक को पिक कर रहा हूँ। हिंच क्लिफी के साथ जा सकते हैं, वोडॉल के साथ जा सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो स्टोनिस को कैप्टन और वाइस कैप्टन डैनियल सैम को बना रहा हूँ। फर्गसन को ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे ख्वाजा और आप यहाँ पे हैंडस्कॉम को भी पिक कर सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए। तो ये रेडी 19 दोस्तों, आप यहाँ पे प्रीव्यू ले सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और रिपोर्ट चाहिए तो कॉन्टैक्ट करना 7428525767। कोइनूर प्रेडिक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काम देखिए, अच्छा लगे तो कॉन्टैक्ट करिएगा। चलिए, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।